भागलपुर में हुए एक जोरदार बम धमाके में 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल यह घटना मंगलवार को हबीबपुर थाना क्षेत्र के खिलाफत नगर मोहल्ले में हुई, जहां बच्चे खेल रहे थे। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य 4 बच्चों का प्राथमिक उपचार उनके घर पर ही किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। घटनास्थल की जांच फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी कराई गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी SP डॉक्टर के रामदास, DSP राकेश कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गए हैं। घायल बच्चों में से एक समर की मां ने बताया कि उनका बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी जोरदार आवाज सुनाई दी। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि उनका बच्चा घायल पड़ा था। उन्होंने कहा कि समर की गर्दन पर गंभीर चोटें आई है। पूरे मामले को लेकर सिटी SP डॉक्टर के रामदास ने बताया कि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल है, जबकि 4 बच्चों का प्राथमिक उपचार घर पर किया जा रहा है। FSL की टीम धमाके की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह विस्फोटक सामग्री कहां से आई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। दवा खा के लेटे हुए थे घर में, बाबू मेरा टॉफी लाने के लिए गया बाहर, सब बच्चा यहाँ पे खेल रहा था बैठ के। बाकी हमारे बाबू वो दुकान में था, हल्का था, हमारे बाबू को छटा पड़ा है दुकान में, बस। बाकी और मेरे बेटा को कुछ नहीं हुआ। बाकी हम देखे नहीं कि कौन है नहीं है। यहाँ पे 5 या 6 बच्चे हुआ होगा सर। 11 बज रहा था, 11:26 बज रहा था सर। पूरा डरावना भी बन गया था सर। अभी जब बम मतलब ये नहीं देखा सर, रूम में थे हम लोग, तभी एक बार सिर्फ आवाज हुआ सर जी। एक के बाद आवाज हुआ ना, हम दौड़े आए कि हमारा बेबी जी, हमारा हमारे बच्चे का नाम समर है। आज 12 बजे के आसपास हबीबपुर थाना अंतर्गत है खिलाफत नगर में एक गली में बम फटा हुआ बारे में सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पहुंच गया है, पहुंच करके अभी जांच शुरू किया गया है। इसमें 3 बच्चों अलावा 4 बच्चों, तो टोटल 7 बच्चों घायल हुआ है। 3 बच्चों को अभी हॉस्पिटल को भेज दिया गया है। इस बारे में कैसे घटना हुआ कि किसी तरह बम है, अभी FSL टीम पहुंच करके अभी जांच हो रहा है, जल्दी से उसमें विवरण हमको पता चलेगा। इस बारे में बच्चों को पूरा विवरण हमको नहीं बता रहा है, उनको बोल रहे हैं मतलब बम गिरा दिया, बम फट गया, बट बाकी विवरण हम पूछताछ क्रम में, जांच क्रम में स्पष्ट हो जाएगा। सर, पिछले बार की कुछ घटना से इसको जोड़ा जा रहा है, क्या वो घटना थी? पिछले घटना बारे में हम विवरण हम पूछ रहा हूँ, उसको ये घटना को कोई संबंध है तो हम उसी एंगल पे हम जांच करते हैं। भागलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की भागलपुर शाखा द्वारा सबौर के मसाड़ू गांव के गंगा में विलीन हो चुके घरों के बेघर लोगों के लिए राहत सामग्री वितरित की गई। ये लोग ममलखा के मिडिल स्कूल में अस्थायी रूप से शरण लिए हुए हैं। राहत सामग्री में चूड़ा, सत्तू, लेडीज किट और बर्तन शामिल थे, जिसका वितरण ममलखा के मुखिया अभिषेक मंडल और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण सहयोग से किया। बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी विश्व भर में युद्ध से लेकर शांति काल तक सामाजिक सेवा में सक्रिय रहती है और आपदा के समय लोगों की मदद के लिए उनके सदस्य हमेशा आगे आते हैं। हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की भागलपुर शाखा के पदाधिकारियों का विधिवत चयन हुआ है और अब वे पूरी सक्रियता से सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। वहीं राहत वितरण कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष अशोक जीवराज का, उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, केंद्रीय कमेटी के सदस्य अनुज कुमार सिंह, सह सचिव रवि कुमार, विनय डोकानिया, चार्टर अकाउंटेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार झुंझुनवाला, अभिषेक कुमार, नीरज, हर्षप्रीत और अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण सहयोग किया। जैसा कि जानते हैं कि बाढ़ की विभीषिका पूरे बिहार में है और भागलपुर क्षेत्र में है, और इसमें एक मसाड़ू गाँव है जिसमें सैकड़ों घर विलीन हो गई गंगा में। करीब 100 से 150 के बीच घर गंगा में डूब गया है, वो लोग बेघर हो गए हैं। एक स्कूल में, ममलखा के मिडिल स्कूल में शरण लिए हुए हैं। इसी उन्हीं को राहत देने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर के सभी मेंबर वहां गए और राहत सामग्रियां बांटी, जिसमें से चूड़ा था, सत्तू था, औरतों के लिए किट्स था और बर्तन थे। हम लोगों ने जहाँ तक संभव हुआ सभी को देने का कोशिश किया
और कई घंटे तक इसका वितरण किया। वहां के मुखिया जी ने काफी मदद किया और सहयोग किया। भागलपुर के पर्यवेक्षण गृह में सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद द्वारा सितार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रख्यात सितार वादक और प्रशिक्षक प्रवीर के सितार वादन से हुई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट प्रसन्नजीत सिंह, सदस्य नीरज कुमार मिश्रा, विनीता सिन्हा, सुनील जैन, संवेद की अध्यक्ष छाया पांडे और निदेशक विक्रम द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधान मजिस्ट्रेट प्रसन्नजीत सिंह ने इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यवेक्षण गृह में रह रहे कानून से संघर्षरत बच्चों को लेकर समाज में नकारात्मक नजरिया है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे जो कुछ भी सीखते हैं वह समाज से ही ग्रहण करते हैं। हमें प्रेम, सहयोग और बंधुत्व से परिपूर्ण परिवेश प्रदान करना चाहिए। वहीं संवेद के निदेशक विक्रम ने कहा कि कला व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है और सकारात्मकता की ओर अग्रसर करती है। वहीं समाजसेवी सुनील जैन ने कहा, संगीत मन के भटकाव को नियंत्रित करता है और नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जबकि संवेद की अध्यक्षा छाया पांडे ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि संगीत अनुशासन सिखाता है और व्यक्ति के रूप में समृद्ध बनाता है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई, जिसके बाद कई राग और गीतों की प्रस्तुति के साथ इसका समापन हुआ। सितार वादन प्रवीर ने किया और वायलन पर अनुष्का मिश्रा ने संगत की। इस कार्यक्रम का संचालन संवेद की वर्षा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन छाया पांडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक सुदर्शन कुमार, शुभकामनी सिंह, चंदन कुमार, रवि कुमार, अनिल पटेल, नमिता कुमारी, राहुल कुमार, शिवम सिद्धार्थ सौर्य आदि उपस्थित थे। भागलपुर की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन भागलपुर महोत्सव इस वर्ष दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के संयोजक के रूप में संतोष कुमार को चुना गया है। यह निर्णय नागरिक विकास समिति की मासिक बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद जियाउर रहमान ने की। बैठक का आयोजन सैंडिस कंपाउंड में किया गया, जिसमें महोत्सव की तैयारियों और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष रमन कर्ण ने बताया कि महोत्सव की तिथि और स्थान की घोषणा अगली बैठक में की जाएगी, जबकि इस बार के महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की योजना है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। दरअसल यह महोत्सव पूर्वी बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें कई राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकार भाग लेते हैं। कोविड काल से पहले यह आयोजन 2 दशक से अधिक समय तक होता रहा है। बैठक में समिति के सचिव सत्यनारायण प्रसाद, आनंद श्रीवास्तव, नरेश शाह, डॉक्टर संजय कुमार निराला, कृष्णा शाह, प्रोफेसर एजाज अली रोज, जिमी क्वाड्रेस और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने अपने विचार साझा किए। बैठक के अंत में संस्था ने मार्च 2025 तक अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का रोड मैप भी तैयार किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन सांस्कृतिक सचिव नरेश शाह ने किया और राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन किया गया। नागरिक विकास समिति भागलपुर की बैठक सैंडिस कंपाउंड के स्टेशन क्लब में हुई। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ कि कोविड काल के पश्चात भागलपुर महोत्सव का आयोजन बेहतर स्तर से सुंदर तरीके से इस बार किया जाए। भागलपुर महोत्सव इस वर्ष दिसंबर माह में आयोजित होगी। किस तिथि को होगी और कहाँ होगी, इस संबंध में अगली बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। साथ ही साथ इस बार इस दिसंबर में आयोजित होने वाले भागलपुर महोत्सव के लिए संयोजक का चुनाव किया गया। श्री संतोष कुमार को भागलपुर महोत्सव 2024 का संयोजक बनाया गया। ये बहुत ही युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और इनसे उम्मीद रखते हैं कि एक महोत्सव को ये ऊंचाई प्रदान करेंगे। सुल्तानगंज में नगर परिषद के सामान्य बोर्ड की बैठक मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जो काफी हंगामेदार रही। बैठक में बिहार सरकार की योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर
चर्चा हुई, जिसमें योजनाओं के सही ढंग से क्रियान्वयन न होने पर पार्षदों ने हंगामा किया। बैठक में उप मुख्य पार्षद नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, सभी वार्ड पार्षद और नगर परिषद के विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। मुख्य पार्षद ने जानकारी दी कि बैठक में 8 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान सफाई की विशेष व्यवस्था, गत बैठकों की पुष्टि, विभिन्न योजनाओं के चयन, नमामि गंगे योजना के तहत अजगैवीनाथ और अन्य गंगा घाटों पर डीलक्स शौचालय निर्माण, अस्थायी फाइबर बैरिकेडिंग और शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। स्मार्ट मीटर और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में राजद कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरने का नेतृत्व राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने किया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा स्मार्ट मीटर द्वारा अधिक बिल वसूली और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी था। धरने के दौरान राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, महिला जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल और अन्य प्रमुख नेताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर गरीबों से अधिक बिल वसूलने का साधन बन गया है, जिसे उन्होंने स्मार्ट चीटर कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार और स्मार्ट मीटर कंपनी की मिलीभगत से पूरे बिहार में करोड़ों रुपये की अवैध वसूली हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण वहां के लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। धरना के अंत में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन प्रखंड कार्यालय में वीडियो संजीव कुमार को सौंपा गया। प्रदर्शन में कई राजद नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।